हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आज हम लोग का टॉपिक होगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जिसे हम शॉर्ट में IFC कहते हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसे हम IFC FRB कहते हैं। तो इनके ऊपर हमारा सेशन में होगा। मीनिंग देखेंगे हम, मीनिंग के बाद देखेंगे रिपोर्टिंग एप्लीकेबिलिटी, और उसके बाद देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अब मीनिंग में हम क्या कवर करने वाले हैं वो देखना। सबसे पहले हम मीनिंग बात करेंगे IFC के ऊपर, उसके बाद IFC FR के ऊपर मीनिंग देख लेंगे। नेक्स्ट रिपोर्टिंग एप्लीकेबिलिटी, किनको एप्लीकेबल है ये रिपोर्टिंग। थर्ड हम कवर करेंगे रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से किस किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के रिलेटेड रिपोर्टिंग। तो फर्स्ट आता है ऑडिट कमिटी, सेकेंड डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ये चारों का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज एक्ट में रिपोर्टिंग करना। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनीज एक्ट ने 134 सेक्शन में क्लियरली IFC का डेफिनेशन दिया है। तो IFC का मतलब क्या होता है, IFC मीन्स अ पॉलिसी एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कंपनी। तो IFC नथिंग बट पॉलिसीज है और प्रोसीजर है जो कंपनी अडॉप्ट करती है। अब वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में क्या कवर होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो कंपनी अडॉप्ट करती है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग, क्या इंश्योर करना है कंपनी को, मैनेजमेंट को क्या इंश्योर करना है, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। बिजनेस को प्रॉपरली मैनर में, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट करना, यही उनका फर्स्ट एम है। किसका, IFC का। पॉलिसी एंड प्रोसीजर में ये फर्स्ट कवर होता है ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। यहाँ पर इंक्लूडिंग जैसे कि एडहरेंस टू कंपनीज पॉलिसी का है, मतलब कंपनीज के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स ये कंप्लाई करना, इसको फुलफिल करना, उसको फॉलो करना, ये सब जिसका काम है बिजनेस कंडक्ट में कवर किया जाता है। तो ये ऑर्डरली एफिशिएंटली होना चाहिए। सेकेंड वो कवर करता है सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स एसेट। IFC में याद रखना सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एसेट आपके कंपनी में, एसेट जो मतलब अपने फाइनेंशियल्स में अगर एसेट साइड देखेंगे, जो भी एसेट्स होते हैं वो कंपनी के फिजिकली भी अवेलेबल होते हैं और एक नॉन फिजिकल वे में भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो वो एसेट्स को प्रॉपरली सेफगार्ड करना ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये IFC बताता है। थर्ड जो है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यहाँ पर IFC ये बता रहा है कि आपके पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस भी आना चाहिए, बट किसका, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइमली इसको प्रिपेयर करना रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये टोटली अकाउंटिंग के रिलेटेड है। आप रिकॉर्ड्स जब मेंटेन करते हो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और उसको टाइमली प्रिपेयर भी करते रहना चाहिए। जैसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे स्टैट रिक्वायरमेंट्स भी हो सकता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, किसी का ईयरली होता है, तो ये एनुअल रिपोर्ट में जैसा फाइनेंशियल प्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो वो चीज़ टाइमली प्रिपेयर होना चाहिए रिलायबल इंफॉर्मेशन के साथ। ये थर्ड पॉइंट कहता है अपना IFC का। फोर्थ पॉइंट जो बोल रहा है वो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर। देखो कंपनियाँ बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं, राइट। ये मैनेजमेंट लेवल का भी हो सकता है या लोअर लेवल का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है फ्रॉड। तो ये फ्रॉड जो है इसको प्रिवेंट करना, इसको डिटेक्ट करना, ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कौन बताता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बताता है, उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बताता है। तो कंपनी को ये चार पॉइंट पे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। ये चारों चीज़ जिस दिन कवर होगा तो IFC में ये रिपोर्टिंग करना जरूरी है, ये ऑर्डरली एफिशिएंटली सेफ गार्डिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस प्रिवेंशन एंड फ्रॉड के बारे में। तो ये चारों भी पॉइंट्स तीन पार्ट में डिवाइड है अगर मैं देखने जाऊँ तो। फर्स्ट पार्ट अगर फर्स्ट टू पॉइंट्स को कवर करो तो ऑपरेशनल कंट्रोल्स कहा जाता है ये दो को, बिजनेस कंडक्ट और सेफगार्डिंग ऑफ एसेट जो होता है वो ऑपरेशनल कंट्रोल्स में कवर किया जाता है। सेकंड है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यहाँ पर थर्ड पॉइंट कवर करता है इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आज का हमारा मीनिंग में सेकेंड मीनिंग इसी का हम पढ़ने वाले, इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको हम शॉर्ट में IFC FR कह रहे हैं, राइट। एंड थर्ड में देखोगे प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड में, फ्रॉड प्रिवेंशन। तो अगर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को मैं इन शॉर्ट में बोलूं तो ये तीन चीज से बनता है, एक तो ऑपरेशनल कंट्रोल, सेकंड इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
एंड प्लस फ्रॉड प्रिवेंशन, ये तीन जब चीज़ मिलते हैं तब IFC बनता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब हम जो इसके अंदर का एक पॉइंट जो है, जो थर्ड पॉइंट है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइमली प्रिपरेशन रिलायबल इंफॉर्मेशन, जिसे हम इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं, उसका मीनिंग देखने वाले हैं, उसका एप्लीकेबिलिटी भी आगे जाके देखने वाले हैं, ये दोनों का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मीनिंग आ रहा है अपना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो है सेकेंड हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, एक पार्ट है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मीनिंग में, कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ये, जो डिजाइन किया जाता है एक रीजनेबल अश्योरेंस देने के लिए, कंपनी में क्या चल रहा है उसका रीजनेबल अश्योरेंस देना है अपने को, कि रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आप फाइनेंशियल प्रेजेंट कर रहे हो, जो रिपोर्ट कर रहे हो स्टैचुटरी बॉडीज को, तो वो रिलायबल है या नहीं, वो चीज़ हमें यहाँ पर रिलायबल अश्योरेंस देना है रिपोर्टिंग थ्रू IFCR। ठीक है, द प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल पर्पस इज अकॉर्डेंस विद गैप। तो ये हर चीज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब फाइनेंशियल प्रिपेयर करते हैं, वो गैप के अनुसार होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसका फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं, कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूड पॉलिसी एंड प्रोसीजर, तो इसके अंदर भी कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो है पॉलिसी प्रोसीजर में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जब ये अकाउंटिंग की बात करता है तो ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड मेंटेन के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है, वो भी एक्यूरेटली होना चाहिए, फेयरली रिफ्लेक्ट करना चाहिए ट्रांजेक्शन एंड डिस्पोजिशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, तो रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करना, फेयरली रिफ्लेक्ट करना ट्रांजेक्शन एंड जो भी एसेट डिस्पोज कर रहे हो उसका भी प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन करना। सेकेंड आता है, द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी आर बींग मेड विद ऑथोराइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कोई भी कंपनी का रिसिप्ट हो गया या कोई एक्सपेंडिचर हो गया, वो हर एक चीज मैनेजमेंट थ्रू ऑथराइजेशन होना चाहिए, तो बिना ऑथराइजेशन के कोई काम किया तो वो लूप होल गिना जाएगा, वो रिपोर्टिंग में क्लियरली लिख कर आ जाएगा। उसके बाद आता है प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस, किसका रीजनेबल अश्योरेंस, रिगार्डिंग द प्रिवेंशन और टाइमली डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज यूज, तो आपको रिपोर्ट में ये भी मेंशन करना पड़ेगा, अश्योरेंस देना पड़ेगा कि हर चीज प्रिवेंट हुआ है, प्रिवेंशन हुआ है, टाइमली डिटेक्ट किया गया है कि कोई भी अनऑथराइज एक्विजिशन हुआ है, कोई एसेट आपने बिना ऑथराइजेशन के आपने एक्वायर किया है या फिर यूज किया है उसे, कोई पर्सनल पर्पस कोई भी हो सकता है, और कोई एसेट को बेच दिया गया हो या निकाल दिया गया, कुछ भी हुआ हो, वो हर एक चीज आपको रीजनेबल अश्योरेंस देना पड़ेगा, यहाँ पर कंपनी पे प्रॉपर चल रहा है या नहीं। तब यहाँ पर आता है मेटेरियल इफेक्ट की बात कर रहा है, तो कोई भी चीज ऐसा हो रहा है जो मेटेरियली इफेक्ट करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिससे आपका इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस हो सकता है या फिर उसका डिसीजन बदल सकता है, वो हर एक चीज आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। यह होगा अपना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे रिपोर्टिंग एप्लीकेबिलिटी, आज का जो सेकेंड क्राइटेरिया, देख सकते हो यहाँ पर मैंने कॉलम बनाया है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में मैं लिस्टेड कंपनी लिखा हो, फिर उसके बाद मैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज एंड उसके बाद प्राइवेट कंपनीज, उसके बाद ऑडिट ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, तो इस हिसाब से हमने कॉलम में उसे रखा है। तो लिस्टेड कंपनीज में ऑडिट कमिटी को IFC के ऊपर रिपोर्ट करना कंपलसरी है। सेकंड अगर देखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यस लिखा है, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिपोर्ट करना कंपलसरी है। ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ऑडिटर्स का मतलब होता है स्टार्ट ऑडिटर्स। सेकेंड पॉइंट, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर ऑडिट कमिटी को यस उनको है एप्लीकेबल है, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नो है, ऑडिटर्स को भी नो है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी में तीनों को भी नो है, मतलब प्राइवेट कंपनी में कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको रिपोर्ट करना। नेक्स्ट बढ़ते IFCFR, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को एक कॉलम में लिया है मैंने, सॉरी एक रो में लिया है, और प्राइवेट कंपनीज को एक रो में लिया है। तो अगर फर्स्ट वाला देखते हो, ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स सबको रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है IFCFR के ऊपर। प्राइवेट कंपनीज को ऑडिट कंपनी, नॉर्मली ऑडिट कमिटी प्राइवेट कंपनीज में नहीं होती है, तो वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही रखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
यस कहा है वहां पर, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड ऑडिटर्स, ऑडिटर्स को रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। वहां पर यस लिखा है और स्टार लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नोट है मेरा। तो देखिए नोट में क्या लिखा है, नोट वाइड एमसीए नोटिफिकेशन जीएसआर 583E डेटेड 13 जून 2017। तो एक नोटिफिकेशन आया था एमसीए की तरफ से 13 जून 2017 में, जहाँ पर आईएफसीएफआर का रिपोर्टिंग के ऊपर बात की गई थी। अब वहाँ पर नॉट एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात किया था। तो फर्स्ट जो है 1% कंपनी को कभी एप्लीकेबल नहीं होगा आईएफसीएफआर, उसके बाद में स्मॉल कंपनीज को भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके बाद में आता है प्राइवेट कंपनीज को विद अ टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड 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 क्या बोला है, एग्रीगेट बोरिंग्स लेस देन 25 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स। वो बोरिंग्स बैंक से भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी हो सकता है, या कॉर्पोरेट। मतलब सिंपल कंडीशन है प्राइवेट कंपनी को कि टर्नओवर आपका 50 से कम हो और प्लस एंड उसका बोरिंग्स भी 25 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहे कहीं पर भी ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसे केस में प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हु आर रिस्पॉन्सिबल अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो फर्स्ट है आईएफसी के ऊपर, आईएफसी में सेक्शन 134 में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है। जब एनुअल रिपोर्ट आप देखोगे कोई कंपनीज का, तो वहाँ पर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है जो सेक्शन 134 में उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट स्टेट्स दैट डायरेक्टर हैव लेट डाउन आईएफसी टू फॉलोड बाय द कंपनी एंड दैट सच कंट्रोल्स आर एडुकेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो डायरेक्टर्स को अपने स्टेटमेंट में क्लियर करना पड़ता है आईएफसी जो है प्रॉपरली फॉलो किया गया है कंपनी में, लेट डाउन किया है एंड वो सब एडिक्वेट है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। सेकेंड आता है आईएफसीएफआर के ऊपर सेक्शन 143, ये बनता है ऑडिटर्स रिपोर्ट के लिए। ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा यहाँ पर, ऑडिटर रिपोर्ट शुड ऑल्सो स्टेट वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट आईएफसी सिस्टम इन प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स। तो ऑडिटर भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर कमेंट करेगा, रिपोर्ट करेगा कि वो एडिक्वेट है या नहीं एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखोगे आईएफसीआर सेक्शन 177 जो बात करता है ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, तो ऑडिट कमेटी भी क्या करेगी, कॉल करेगी, कॉल फॉर द कमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स का कमेंट कंसिडर करेगी फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड एंड मे ऑल्सो डिस्कस रिलेटेड इशू विथ इंटरनल ऑडिटर्स एंड स्टैट्यूट ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये ऑडिट कमेटी का रिपोर्ट में आएगा ये सब। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है काम, यहाँ पर उनका रिपोर्टिंग भी आएगा। उनको बस ये बताना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एंश्योर दैट फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट्स आर रोबस्ट एंड डिफेंसिबल। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी रोबस्ट एंड डिफेंसिबल कंट्रोल्स के ऊपर बात करना है। तो इस तरीके से आज हमने ये वीडियो एंड किया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सकता है तो आपके सजेशंस वेलकम है, कमेंट पर हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।